पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ केमिस्ट्री इन दिनों खूब नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ नेशन बताया। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी की तुलना अमेरिका के रॉकस्टार एल्विस प्रेस्ले से भी की। ये मौका था जब दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस वार्ता हो रही थी। बता दें कि इससे ठीक पहले ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली के दौरान ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने पाक का नाम लिए बगैर आतंकवाद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी से देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मुझे वो भारत याद है जो काफी बटा हुआ था, वहां काफी मतभेद लड़ाइयां थी, लेकिन पीएम मोदी सबको साथ लेकर आए, जैसा कि एक पिता सबको साथ लाता है। शायद वे भारत के पिता हैं, हम उन्हें फादर ऑफ इंडिया बुलाएंगे। वहीं जब ट्रंप से ह्यूस्टन इवेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी दाईं तरफ जो बैठे हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, वे एल्विस के इंडियन वर्जन हैं। एल्विस प्रेस्ले अमेरिकी सिंगर और एक्टर थे, उन्हें किंग ऑफ रॉक एंड रोल कहा जाता था। Great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before. It was very torn. It was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together.